एवरीबॉडी, सॉरी फॉर बीइंग लेट। वो क्या है ना, दिवाली है तो उसकी वजह से बहुत कुछ करना होता है, तो इस वजह से अपडेट्स नहीं मिल पा रही थी आप लोगों को, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, चलो इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत ही शानदार चीज़ें बताने वाली हूँ, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि हाइव लेवल कितना ज़्यादा घटिया है और वो क्या क्या कर रहा है। और हाइव के पीछे आर्मी पड़ गई और आर्मी ब्लिंक्स पड़ गई हाइव के पीछे, और ब्लिंक्स ने कहा कि माफ़ी मांगो ब्लैक पिंक से, और जितने भी आर्मीज है उसने कहा कि हाइव को कि वी से माफ़ी मांगो और जोंगकुक से माफ़ी मांगो, साथ ही जोंगकुक को BTS लीव करने के लिए भी कह दिया। तो क्या है पूरा मैटर, चलो बताती हूँ। तो सबसे पहले वी के बारे में बात करेंगे कि आखिर वी के साथ ऐसा क्या हुआ कि हाइव को माफ़ी मांगने के लिए आर्मी कह रही है। तो देखो, अभी एक डॉक्यूमेंट्स निकल कर सामने आया था जिसमें बहुत कुछ देखने को मिला है। हाइव जो है उसके ऊपर ये आरोप लगा है आर्मी के थ्रू, हाइव सब अटैक कर रही है वी को, यानी कि उनका करियर ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, उनका ले ओवर जो एल्बम आया है उससे ख़राब कर रही है। उसके लिए में ये बोला जा रहा है कि हाइव ने ओवर स्टॉक्स एल्बम खरीद लिए दूसरे आर्टिस्ट के लिए और वी के लिए जगह नहीं रखी स्टॉक्स में, वी का जो सॉन्ग है ले ओवर उसके लिए। और इतना ही नहीं कि वी को अभी फ़िलहाल जो ऑनलाइन हेट मिल रहे थे DC गैलरी की वजह से, जो कि कोरियन ऑनलाइन फोरम है, उसके लिए भी हाइव ने कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से फ़ैन उनसे गुस्सा है। और इतना ही नहीं, लोगों का मानना ये है कि वी के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वी ने इंटरनल बिग हिट्स म्यूज़िक एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ काम करने से मना कर दिया था। एग्जैक्टली, इतना ही नहीं, सोचो कि हाइव इतनी वाहियात कंपनी है कि हाइव ने वी और जोंगकुक द्वारा जो यूट्यूबर पर फॉल्स र्यूमर फैलाने के लिए जो केस करा हुआ था, उसके बावजूद भी उस सोजांग यूट्यूबर का मेंबरशिप ले रखा है। यानी आपके आइडल्स जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, आप उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हो, ये तो वही बात हुई। तीसरी चीज़ ये है कि अभी जो डॉक्यूमेंट सामने निकल कर आया था ऑडिट वाले मैटर में, उस डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ खुलासा हुआ और उस में ये भी चीज़ कही गई कि उसमें ये भी चीज़ बताई गई कि ब्लैकपिंक की जो लिसा है उसके खिलाफ हाइव जो है वो एक नेगेटिव कैंपेन लॉन्च कर रही थी। और लोगों का कहना है कि हाइव जो है वो ब्लैकपिंक की लिसा का जितना भी मूवमेंट था या फिर जो वो कर रहे थे उन सब की मॉनिटरिंग कर रहा था और उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था। हालांकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो हाइव का CEO है उसने माफ़ी मांगी है हर किसी से, बट कोई कंपनी इतनी वाहियात कैसे हो सकती है। आपका काम है अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करना, ना कि दूसरे आर्टिस्ट को नीचे गिराना। नाउ वी अंडरस्टैंड कि वी क्यों नहीं चाहते थे इस कंपनी के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और गलत तरीके अपना रही है अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए। ये कंपनी के लिए अच्छा या बुरा हो जो भी हो, लेकिन ये आर्टिस्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिस तरीके से हाइव अभी एक्शन ले रहा है उस तरीके से हाइव की इमेज भी बहुत ख़राब हुई है, और दूसरी नंबर बात हाइव BTS का यूज़ कर रहा है एक तरीके से।